लोकसभा चुनाव के पहले ही घमंडिया गठबंधन की हवा निकल गई। ममता दीदी ने ऐलान कर दिया कि वह पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यह तो अभी शुरुआत है, लोकसभा चुनाव तक घमंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस की औकात दिखा रहे हैं। आकार लेने के पहले ही घमंडिया गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया है। यह बिखराव अभी और तेज होगा। बंगाल के बाद बिहार का नंबर है। असल में घमंडिया गठबंधन घमंडियों का समूह है, जिसमें सभी दल के नेता प्रधानमंत्री बनने के हसीन सपने देख रहे हैं। सभी एक दूसरे को ठगने की फिराक में हैं। ऐसा महागठबंधन देश के लिए नुकसानदेह है, जिसमें भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों का जमावड़ा है। लोकसभा चुनाव के पहले ही घमंडिया गठबंधन की हवा निकल गई। ममता दीदी ने ऐलान कर दिया कि वह पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यह तो अभी शुरुआत है, लोकसभा चुनाव तक घमंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस की औकात दिखा रहे हैं। आकार लेने के पहले ही घमंडिया गठबंधन में बिखराव शुरू हो गया है। यह बिखराव अभी और तेज होगा। बंगाल के बाद बिहार का नंबर है। असल में घमंडिया गठबंधन घमंडियों का समूह है, जिसमें सभी दल के नेता प्रधानमंत्री बनने के हसीन सपने देख रहे हैं। सभी एक दूसरे को ठगने की फिराक में हैं। ऐसा महागठबंधन देश के लिए नुकसानदेह है, जिसमें भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों का जमावड़ा है। मैं प्रमोद कुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदेश महासचिव, 75वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारत देशवासियों को, बिहार प्रदेश वासियों को, औरंगाबाद जिला वासियों को और विशेषकर रफीगंज विधानसभा वासियों को ढेर सारी हार्दिक बधाई देता हूँ।